हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो दोस्तों, सुबह के लगभग 6 बजे हुए हैं और मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहां, तो आज मैं जा रहा हूं मंदिर, वो भी मन कामेश्वर मंदिर, जहां पर जाने की इच्छा लगभग एक साल पहले भी था मेरा। एक चहेते हैं मेरे, जिन्होंने कहा था कि वो मुझे लिवा के जाएँगे, लेकिन किसी कारणवश मुझे नहीं लिवा जा पाए और मुझे दुख है इस बात का, लेकिन खुशी इस बात का है कि मैं आज जा रहा हूँ। और मैं हूँ, विपिन है, सुनील है और एक दो दोस्त और हैं उनके। तो मैं तो तैयार हो चुका हूँ, वो लोग अभी तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार होकर छत पे आया हूँ। तो अब चलते हैं, देखते हैं वो लोग तैयार हुए हैं कि नहीं, फिर उसके बाद निकलते हैं मन कामेश्वर मंदिर के लिए। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए लास्ट तक ब्लॉग विद आशीष, क्योंकि आज मैं आपको मन कामेश्वर मंदिर, सरस्वती घाट दोनों का व्यू दिखाऊंगा। और आप लोग देखिए और नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। तो देखते रहिए ब्लॉग विद आशीष, चलते हैं नीचे उन लोगों के पास, देखते हैं वो लोग तैयार हुए हैं कि नहीं। फाइनली ये दोनों तैयार हो चुके हैं, ये देखिए, बहुत टाइम लगाए, आधा घंटा वेट कराए हमें, और अब चलते हैं सीधा मन कामेश्वर मंदिर, मिलते हैं इसके। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद अब ऐसा फील हो रहा है कि हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु का आवन गमन चालू है। एंड हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास और इस समय हैं, क्या बोलते हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है और लड़कियों की लंबी लाइन है, लड़कों की लगभग ठीक ही है। और हम दूध चढ़ाने के लिए लिए हैं और ये लोग देखिए फूल वगैरह लिए हैं। इधर देखो, ये देखिए, देखो हमारा दूध लावत तो अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं, लाइन बहुत लंबी है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। यहाँ पर चिड़ियों का चहचहाहट और श्रद्धालुओं का ये प्रेम देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, सावन का सोमवार होने के नाते यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं आपको मंदिर दिखाने में असमर्थ रहूँ, तो मुझे खेद है। तो फ्रेंड, बगल में ही एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है और अब हम वहाँ पर आ गए हैं और अपने दोस्तों के साथ। और बगल में ही माँ दुर्गा जी का मंदिर है, मूर्ति है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा जी का मूर्ति और इस साइड बजरंगबली का मूर्ति है। और यहाँ पर हम दर्शन कर लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। अभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं सरस्वती घाट जो कि आगे है। और विपिन भाई अभी दर्शन कर रहे हैं, वो मन्नत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सुंदर चाहिए कन्या इसलिए। और हम लोग तो दर्शन कर चुके हैं, हम और सुनील भाई, इसलिए उनका वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सरस्वती घाट जो कि आगे है। हम पहुँच गए हैं सरस्वती घाट, तो अब चलते हैं इसके अंदर, आपको एक बार पहले बाहर से ही व्यू दिखा देते हैं। ये रहा सरस्वती घाट। के अंदर पहुंच गए हैं, यहाँ पर
ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है फूल वगैरह, और यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो पिलर बने हैं पिलर के ऊपर ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ से सामने यमुना जी का व्यू दिखता है, यमुना नदी का, तो ये और ही इसको सुंदर बनाता है। तो कभी आइए आप घूमने। फ्रेंड अभी हम सरस्वती घाट के पास खड़े हुए हैं, और ये हैं हमारे दोनों फ्रेंड विपिन और सुनील, और अभी वो सर से बात हुई है। यहाँ पर आर्मी वालों का रिहर्सल चल रहा है, कल कोई प्रोग्राम है इन लोगों का, मतलब आर्मी वालों का। तो मैंने पूछा कि क्या प्रोग्राम है, किस उपलक्ष्य में, तो उन्होंने ये नहीं बताया, बोला कि है कोई प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर रिहर्सल के लिए सभी लोग आ चुके हैं और तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। तो आर्मी वाले कभी आइए यहाँ पे, कभी क्या कल ही है, तो कल आइए यहाँ पर और देखिए, जो आर्मी में जाना चाहते हैं उन लोगों को कह रहा हूँ, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। तो दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर सारे बैंड बाजा आ गए हैं बजाने के लिए, मतलब रिहर्सल करने के लिए। आप लोगों को बैक कमरे से दिखाते हैं हम। यहाँ पे सभी आर्मी वाले ही हैं जो वाइट टी शर्ट में बैठे हुए हैं और साथ में बैंड वैंड लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इधर भी कुछ आर्मी के लोग खड़े हुए हैं जो अभी यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। और सर से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसके पहले यहाँ पर नहीं आए थे। यहाँ पे देखिए कुछ गोरखा बटालियन वाले भी हैं, और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लिया जा रहा है इन दीदी लोग के द्वारा। और सरस्वती घाट भी घूम लिए हैं और यहाँ पर भी मस्ती कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर देखने और दिखाने के लायक क्या है, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और आप लोग बने रहिए, देखते रहिए ब्लॉग विद आशीष। तो दोस्तों दर्शन वर्शन कर लिए हैं, अब चल रहे हैं रूम पे। उससे पहले हम आ गए हैं यमुना ब्रिज के नीचे, और आपको ब्रिज का नज़ारा दिखाते हैं और नीचे से ही कैसे लगता है, तो नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। आ गए हैं हम पुल के ऊपर, और यहाँ पे वो दोनों फ़ोटो ले रहे हैं। हम लोग घूम टहल लिए हैं और दर्शन भी कर लिए हैं, अब इसके बाद ऑटो पकड़ते हैं और रूम पर चलते हैं। चलते हैं दोस्तों रूम। तो फ्रेंड अभी हम अपने रूम पे पहुँचे हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, सावन का महीना था, और इसलिए हम सही से दिखा नहीं पाए उस मंदिर को, और घाट को तो दिखा दिए थे वहाँ पर। और ये भी बताया कि आर्मी का वहाँ पर रिहर्सल चल रहा है, कल वहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो जिसको जाना है, जो आर्मी में जाना चाहता है, देखना चाहता है कैसे वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, तो जाकर देख सकता है। और दोस्तों बहुत से ऐसे जगह थे जो मैं बहुत मिस कर रहा था, और बहुत से ऐसे जगह हैं जो मैं इसी वजह से जा कर के देख नहीं पाया, कुछ वहाँ पे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो अब फिर कभी जाएंगे तो आपको सही से दिखाएंगे, जब ये सावन का महीना ख़त्म होगा, भीड़ कम होगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और बगल में ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिखेगा, आप लोग इसे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।